अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशिर खबरनामे हेत चुस साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। बीजेपी लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञान च आज एकिस तकरीबी दौरान वोनमुत जे सुबह मुसलमानों तरफ मस्जिदन मंज आवाज़ बुलंद करित पूजा पाठस मंज खलल पैद करने इवान तो इंतजामिया तरफ चुन अत कुन कान जोन दिन इवान इवन कथन हिज बावत कर तमो मध्य प्रदेश मंज मुनक़द एकिस तकरीबी दौरान। सदैव हमारी पूजा पाठ, हमारे देवों की आराधना, हमारे मंदिर निष्कंटक हो जाएं। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5:00 से और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु संन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4:00 ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी रात शाम सुबह 4:00 से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की, जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते। सी पी आई एम लीडर मोहम्मद यूसुफ आम शहरन हिज हलाकत पे अफसूस इजहार करान मरकजी सरकार वोनमुत एतमाद सजी हवाले गन संजीद कदम तुलने इन युत जन आम लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनावने ये। बाद की बात है कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी का लखती जिगर तो गया ना। सबसे पहले मेरा सवाल है उनसे जो ऐसी वारदातों में मुलविस है। ऐसी बुजदलाना हरकत से हासिल क्या होने वाला है, ये मेरा सवाल है। सरकार की जिम्मेदारी है, उनके हाथों में कमान है पूरे मुल्क की। उन्होंने कौन सा मसबत कदम उठाया एतमाद साजी का, जहां से ये लगे कि दूरियों को कम करने के बारे में सरकार की नीयत साफ है। भाई हमें अपने हुकूक वापस करो। खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वहां कहा कि सारे लोग लगभग ये मुतालबा किया है यहां मीटिंग में कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। पार्लियामेंट में कहा होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बस करो, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। बहुत देर कर रहे हैं, बहुत देर कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत और ज्यादा देर हो जाए, तकलीफ होगी हमें पूरे मुल्क को। पीडीएफ सरबरा हकीम मोहम्मद यासीन आम शहरन हिज हलाकत पे अफसूस इजहार करान मरकजी सरकार पे जोर दुत हालात मामूलस पे अन बापत गन संजीद कदम तुलने इन। आपको मालूम है कि हम एक ऐसे दलदले में फंसे हुए हैं काफी वक्त से, जिससे बाहर आना अभी लगता नहीं है कि हम किस तरीके से इस मामले को, इस दलदली से बाहर आएंगे। यहाँ की सिचुएशन बदकिस्मती से ऐसी है, और सिक्योरिटी फोर्सेस तो वो पहले भी यहाँ तो काफ़ी है, और ये 30 साल से हम इसी दौर में गुजर रहे हैं। अब ये सही है कि जितना फोर्स यहाँ पर है, ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि अगर फोर्स पहले भी मौजूद था और भी ला रहे हैं। लाने का मकसद ये है कि ये जो इनोसेंट किलिंग हो रही है, रोज़मर्रा किलिंग हो रही है, नहीं होनी चाहिए। तो कुछ कोताहियाँ हैं, खामियाँ हैं, जिसको सरकार को चाहे कि वो दूर करे और इसमें डेप्थ में जाकर देखे कि इस टर्माइल से हम कहाँ बाहर आएंगे। एक ही रास्ता है, जब तक कि यहाँ के लोगों के साथ बातचीत न की जाए। यह है कि जो खरमिन आमन जो दरहम बरहम हो रहा है, रोज़मर्रा ऐसे वाक़ात हो रहे हैं, हमें
उस चीज़ का इलाज करना है, उस चीज़ को अच्छे ढंग से देखना है, उस चीज़ को एड्रेस करना है जिस वजह से ये मामलात रोज़मर्रा हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर बैंक सत मुनसलिक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहजाजी मुजाहरे कर आमुत या दौरान एहजाज में शामिल नौजवान इंसाफ फराहम करने की मांग करान एहजाज में शामिल नौजवानों तरफ वन आमुत जोदवे तिमन कईया वरी बैंक सत मुनसलिक आने पर तनख्वाह में इजाफ सपदन उम्मीद ताहम तिंदिस तनख्वाह में कटौती कर आमुत यम कि तम सड़कन पे इन मजबूर सपद एहजाज में शामिल नौजवानों तरफ एल जी इंतजामिया मांग कर आमुत जत मामल कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन गांधरबल से बिलोंग करता हूं। हम सारे यहां जेके बैंकों के साथ काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड से हम लोगों ने यहां पे प्रोटेस्ट इसलिए किया, ये 10-15 दिनों से चल रहा है। एक तो हमारी वेजेस में कमी की गई, आजकल का ऐसा दौर है ये महंगाई आसमान छू गई है, तो वेजों में इजाफा होना चाहिए ना कि काटना चाहिए, हमारी वेजेस में कमी की गई। दूसरी बात यह है कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स का लिस्ट बन रहा है, उनको निकाला जाएगा। अगर कोई बंदा 15 साल से काम कर रहा है आज कहाँ जाएगा बेचारा, हमें ये कबूल नहीं है। ये सारा जो हो रहा है ये ब्रोकरों के जरिए हो रहा है, उन्होंने बिट कम डाली अपने फायदे के लिए, बैंक को भी उसमें मुनाफा है और ये जो एजेंसी उनको भी मुनाफा है, उन्होंने सैलरी कम कर दी हम गरीबों की, इसी पे हम यहाँ पे जमा हो गए। एक 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 है हमारा ये सिक्योरिटी अफसर अली मोहम्मद है उसका नाम, वो हमें धमकी दे रहा है आप प्रोटेस्ट कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, हम अपना हक मांग रहे हैं और वो अपना हक मांगने पर हमें बोल रहा है कि आपको PSA दिया जाएगा। हमारी डिमांड ये है किसी बंदे को ना निकाला जाए, जो जो वेजेस में कमी की गई है ये खत्म की जाए, इजाफा होना चाहिए ना कि कम करना चाहिए। यपर चार सोप्रस मे सिक्योरिटी गार्डों तरफ एहजाजी मुजाहरे कर आमुत यद दौरान एहजाज में शामिल नौजवान इंसाफ फराहम करने की मांग कर मौक पे एल जी इंतजामिया मांग कर आई सिक्योरिटी गार्डन हिंदिस मामल कुन गई खास जोन दिन युन युद्ध जन तम दुबार सड़कन पे इन मजबूर सपदन मसला ये है। हमारा ऑलरेडी जो सैलरी हम पिछले दो दहाइयों से इस कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, हमारी जो सैलरी उतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि हमें कटौती की जाए। 7,500 से लेकर अब 5,500 बोल रहे हैं कि आप काम करो। मसला यह है कि महंगाई बहुत आसमान को छू रही है और इन 5,500 में एक फैमिली कैसे चल सकती है। मैं बोलता हूं कि एक सिंगल आदमी नहीं चल सकता इन 5,500 में, तो एक फैमिली कैसे चल पाएगी। डिमांड यही है कि हमारी जो सैलरी है एक तो बढ़नी चाहिए और दूसरा अगर हम मिसाल के तौर पर किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं इस वक्त, सबसे पहले हमें भेड़ बकरियों की तरह ये कंपनी वाले खरीद रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट डालने से पहले ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर एक मजदूर की सैलरी दिन ब दिन बढ़ती रहती है न कि घटती रहती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि सैलरी जो बढ़ने के बजाय घट रही है हमारी। यहाँ पे एक पुरमन प्रोटेस्ट की कॉल हमने दी थी एसोसिएशनों की तरफ से, तो ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि इन्होंने कुछ हमारे साथ 10 दिन का ये टाइम दिया था बैंक हुकाम ने कि हम कुछ ना कुछ फैसला आपके साथ कर लेंगे, तो लिहाजा इन्होंने परसों एक ऐसी ये दी जजमेंट दी कि जो हमारे काबिल कबूल न थी। जी हमारी डिमांड यह है कि कंपनियां भी वॉश आउट करें, हमें बैंक अपनी तवील में ले, तो यह हमारी डिमांड है सर। यपर पुलवामिस मे आज सिक्योरिटी गार्डों तरफ एहजाजी मुजाहरे कर आमुत यद दौरान एहजाज में शामिल नौजवान मुतलिक कंपनी खिलाफ नारबाजी करान एहजाज में शामिल नौजवानों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत सिक्योरिटी गार्डन हूं मसल अंजराने सवाल संजीद कदम तुलने यन युद्ध जन तम दुबार सड़कन पे इन मजबूर सपदन।
कश्मीर बैंक के एटीएम और बैंक सिक्योरिटी गार्ड हैं सर। सर हम इसलिए यहाँ पे जमा हुए कि हमारी कुछ मांगे हैं जो कि अभी तक 1 नवंबर से आज तक जो कि जेके बैंक ने पूरी नहीं की। सर हमारी सबसे बड़ी डिमांड यह है कि हम कंपनियों के साथ काम नहीं करना चाहते हैं सर। उसकी वजह यह है कि पिछली कुछ कंपनियाँ थी जिन्होंने हमारी तनख्वाहें जो कि नहीं अदा की और किसी किसी कंपनी ने 1 साल या किसी ने 6 महीने का पीएफ जमा नहीं किया सर। इसीलिए हमारा मौकफ है कि हमें कंपनियों के साथ काम नहीं करना है। दूसरी बात सबसे बड़ी कि ये बोल रहे हैं कि जो मतलब जम्मू एंड कश्मीर जितने भी गार्ड्स हैं इनमें से कुछ लड़कों को निकाला जाएगा जो कि हमें सर काबिल कबूल नहीं है सर। सर सर तीसरी बात सबसे बड़ी है कि जितने भी हम यहाँ पे गार्ड्स हैं जितने भी जमा हुए हैं आज हमारी स्ट्राइक है आज 10वीं तारीख जो कि परसों ही हमने ऐलान किया था कि आज हमारी स्ट्राइक होगी लेकिन इसके बीच में किसी किसी लड़के को धमकाया जा रहा है कि आप चाबी हमारे हवाले करो या दूसरी बात अगर आप ड्यूटी नहीं आओगे तो आपको डिसंगेज किया जाएगा। तो सर अगर हमारे साथ यही रवैया रहा तो सर हम इसके लिए कंटिन्यू स्ट्राइक करने के लिए। شپینس مجھے آج پی ڈی ایل ٹی ڈی ایل ایمپلائیز ایسوسیشن طرف احتجاج مظاہرہ کرنا آمت یا دوران احتجاج میں شامل ملازم انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران احتجاج میں شامل ملازموں طرف ون آمت زدوئے محکمہ بجلی مز کم کرن ول کئی ڈیلیویج کیجول ملازم از تام ڈیوٹی دوران جاں باغ سپت تاہم چھ انتظامیہ تو محکم طرف تہندس حقس مز کھان ریلیف واگزار کرنا آمت یم کم تم احتجاج کرنے پر مجبور سپد احتجاج میں شامل ملازموں طرف مانگ کرنا آمت کیجول تو ڈیلویج ملازمن ہند مسل انگراؤن سوال گھن سنجید قدم تلنے یم زن تم بتن ول مشکل دور کرنے یم जी सर हमने प्रोटेस्ट इसलिए यहाँ किया है आज पिछले हफ्ते से यहाँ पर 2-3 जवान हमारे जो पीडीएल टीडीएल है वो पावर की मरम्मत करते करते अपनी जान उसने दिए है इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया है। जो हमारी डीपीसी 14 जनवरी 2019 में हुई है उनकी ऑर्डर आज तक उजरा नहीं हुई है इसलिए हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है। तब तक हम ये प्रोटेस्ट नहीं हटाएंगे जब तक कि हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा। और दूसरा सवाल यह है कि जो पेंडिंग फाइलें हैं वो डिवीजनों में पड़े हैं उनकी डीपीसी होनी है ज़रूर तब तक भी हम नहीं उठेंगे जब तक उनकी डीपीसी नहीं जाएगी। होने का एक ही मुद्दा और मकसद है आए रोज हादसा होते इस हफ्ते में 4 एक्सीडेंट हुए जिनकी 2 की मौत आम सुबह डेथ हो गई और डिलीवरी का कातलेआम यूं ही जारी रहता। आज यहाँ मकसद होने हमने सेंटर बॉडी से ये किया कि आज से हम प्रोटेस्ट का एहतमाम किया है। अब हमारे पास 4 डिमांड है जिनमें डिमांड सरकार के पास हमने रखे हैं। डिमांड नंबर 1 है कि हमारे ऑर्डर्स इजरा करे। 14 जनवरी 2019 को हमारी डीपीसी अमल में लाया गया है डिपार्टमेंट ने प्रमोशन किया है वो किसी फजूल इंसान ने किया वो डिपार्टमेंट ने प्रमोशन मगर आज तक उसके आर्डर इजरा नहीं। ये शर्म की बात है। मैं रोहित कंसल से आपसे आपकी मुकादम से गुजारिश करना हो रिक्वेस्ट कर हम ये मूली की तरह मत हमें पीसो हम भेड़ बकरियां नहीं हम रोज जबे हो रहे हम उनसे रिक्वेस्ट करा जरा मेहरबानी करके आपकी माध्यम से उसको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं नम बड़ी आंखों से कि हमारे मुस्तकबिल अब खराब हो चुका है हमारे बच्चों का फ्यूचर सोचिए आप। इस्लामिक यूनिवर्सिटी उदपुर में आज यौम तहसीस सवाल तकरीबी हुन सांस करने आमुत यत मज यूनिवर्सिटी हिंदो जिम्मेदारों तलब इलमों तो सबक जिम्मेदारों तो तलब इलमों शिरकत कर अत मौक पे ये यूनिवर्सिटी हिंदिस कामकार तो तदरीसी निजाम हवाल कथन दल दिन आव तत तलब इलमों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश कर आम ये जिम्मेदारों तरफ वन आव जमें तकरीब हिंद सज कर मकसद यूनिवर्सिटी हिंस कामयाबी हिंस खुशी यी रलित मिलित मनाने युत जन अत सत वस्त प्रेथ अकिस शख्स फख्र महसूस सब दिन। अभी आप देख रहे हैं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएनके। अभी हमारे वी हैव 18 डिपार्टमेंट्स बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं फॉरेन में जॉब कर रहे हैं और फॉरेन में पढ़ के वो यहाँ से वापस आते हैं दे गेट प्लेसमेंट्स हियर सो वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इस चीज को हमने बता दिया कि हम एक सेलिब्रेशन करेंगे जिसमें हम जो हमारे एक्स वाइस चांसलर्स रहे हैं जो एक्स रजिस्ट्रार्स हैं जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहीं पे हमने बुलाया सो पता चला
तो बता दीजिए कि यूनिवर्सिटी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक पहुँची। फ्यूचर प्लान्स क्या है मतलब आपकी यूनिवर्सिटी? फ्यूचर प्लान्स में ये है कि अभी हमारा डैक होने वाला है। डैक एक बॉडी है जो एक्रेडिटेशन का दिया यूनिवर्सिटी को। सो हमारा यही प्लान है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड रैंक इंशाल्लाह। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बंदियालगाम अनंतनागस में आज एनरोलमेंट ड्राइव हवाले तकरीबी हूं सज कर आमुत यथ महकमे तलीम हंदो जिम्मेदारों वस्तादों तलब इलम तो वालदेनों शिरकत कर अत मौक ये गवर्नमेंट स्कूलन में तलीमी निजाम हवाले जिम्मेदारों तरफ कथन दल दिन आव तु वालदेन पे जोर दिन आमुत तम गचन दाखिल सरकारी स्कूलन में निनस तरजीह दिन युन तम मयारी तलीम फराहम कर। हाँ सर, ये जो प्रोग्राम आज आप देख रहे हैं ये मुनक्कद हो रहा है, पहली दफ़ा इस इंस्टीट्यूशन में ऐसा प्रोग्राम मेगा इवेंट एनरोलमेंट जो है इस वक्त मुनक्कद हो रहा है इस इंस्टीट्यूशन में पहली दफ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त आप भी देख रहे हैं कि लोग जोग दर जोग आ रहे हैं इस मेगा इवेंट को देखने के लिए और अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। हाँ सर, ये तो बात सही है, प्राइवेट स्कूलों की तरह पहले ज़्यादा रुझान था पेरेंटों का, लेकिन धीरे धीरे अब इसमें तब्दीली आ रही है सर, क्योंकि अब गवर्नमेंट स्कूलों में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन स्टाफ प्रोवाइड किया जा रहा है और मुख्तलिफ स्कीमें भी लॉन्च की जा रही हैं जिनमें MDM है, जिनमें स्कॉलरशिप है, जिनमें फ्री यूनिफॉर्म है, फ्री टेक्स्ट बुक्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बहुत केयर किया जाता है गवर्नमेंट स्कूलों में इन बच्चों का भी। यपर्च गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सुंदनारा हजन बंडपुरिस मे एनरोलमेंट ड्राइव हवाले तकरीब हूं सज कर आमुत यथ महकमे तलीम हंदो जिम्मेदारों वस्तादों तलब इलमों तो वालदेनों शिरकत कर यहां जिम्मेदारों तरफ वालदेन पे जोर दिन आव तम ग बच्चन दाखिल सरकारी स्कूलन मज कर युन मयारी तलीम हासिल कर सम कईन स्कीमन तायद तुलित हकन। ये जो आज हमने यहाँ पर जोन हाजन में हमने स्टार्ट किया है एनरोलमेंट ड्राइव, इसका मकसद है कि जो हमारे बच्चे जो अभी जिनका अभी सरकारी स्कूलों में इंदराज नहीं हुआ है या वो बच्चे जो जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है जिनको हम ड्रॉप आउट्स कहते हैं उनको स्कूल में वापस लाए, तो इस सिलसिले में हमने एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर किया जहाँ पर बहुत सारे यहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वालदेन भी आए थे और बहुत सारे बच्चे उनकी हमने हौसला अफजाई भी की। और हमारा मकसद ये भी था कि आम लोगों तक ये बात पहुँचाए कि सरकार की तरफ से जो मुफ्त तालीम के हवाले से जो स्कीमें दस्तियाब हैं उन स्कीमों से उनको वाकफ़ कराए ताकि वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाए और अपने बच्चों को मुफ्त तालीम के लिए सरकारी स्कूल में इंदराज करें। उस के लिए ये मैसेज है कि उनको दिल जान से अपना पूरा देना चाहे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो उनके पोटेंशियल है उनके पूरा जो पोटेंशियल है उनके अंदर वो देना चाहिए बच्चों को। और ये गुजारिश रहेगी लोगों से कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में इंदराज करें, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो तालीम के नूर से महरूम। जम्मू कश्मीर में ये पत्मों कैया दो पे कोरोना मामलों में इजाफ वुन आव तो इंतजामिया तरफ अत पे रोट लागन हवाल कदम तुलना आई तत टंगमर्ग में महकमे सेहत तरफ टेस्टिंग मुहिम मजीद तेज कर आम या दौरान गुलमर्ग इन वाल सयाहन सकमी लूकन हिंद टेस्ट अमल मज अन ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मौजूद सूरत हाल तो मुकमी लूकन हिंद हिफाजत यकीनी बनाने बापत मुहिम तेज कर आम। एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी हिदायत पे हम यहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं और यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो हम उनका बाज़ाब्ता तौर स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्टिंग होती है, RT-PCR और रैपिड टेस्ट भी हो जाता है। तो जो भी इस सिलसिले में हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको हम फॉलो करते हैं, वो प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ही हम उनको अलाउ करते हैं तभी वो जो है गुलमर्ग आगे जा सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है जिसकी रूह से हम चाहते हैं कि जो ये पेंडेमिक है हम इसको कंट्रोल करें और जो थर्ड वेव का कहा जा रहा है जो इसको भी जो है हम रेगुलेट करने के लिए जितने भी हमसे मुमकिन हो सकता है टूरिस्ट को एक तो हम काउंसलिंग भी करते हैं और साथ ही साथ हम उनको जो है यहाँ से इस बात पर जोर देते हैं कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपनाएं और साथ ही साथ टेस्टिंग के लिए यहाँ आए, यहाँ के जो है वो आराम से टूरिस्ट डेस्टिनेशन का लुत्फ ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का उन्हें जहन में रखना है कि
जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अमलाए, को मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का वो जो है उसको अमलाएं, और साथ ही साथ जो है बाकी लोगों को मैसेज दे दें कि हमें इस कोरोना वायरस से बचने के लिए जो है अपना ताउन एडमिनिस्ट्रेशन को देना है। पटेल बंसरी, कहाँ से आप? गुजरात, वडोदरा। इट वॉज सो गुड, आवर वी एक्सपीरियंस्ड वेरी मच, एंड आप भी आ सकते हो यहाँ पे। हम श्रीनगर गए, डल लेक में घूमे, फिर वो शंकराचार्य मंदिर में गए, और बाकी सब भी बहुत अच्छा है। आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस करने, स्नोफॉल भी है तो फिर मजा आएगा। आ सकते हो आप इधर, बहुत मजा आता है, ये जन्नत ही है। कई कलगमस मे आज पुलिस तरफ अवमी दरबार साज कर आमुत एस एस पी कलगोम जिल तरकिया कमिश्नर कलगोम तो अवमी नुमाइंदो तो मुकामी लोको शिरकत कर अत मौक पे ये लूको तरफ कैया मसल बतलाव आई तुम जिम्मेदारो तरफ लूकन यकीन दिन आमुत जूकन हिंद मसल अंजरावन सवाल इन संजीद कदम तुलने ये जन पुलिस जिम्मेदारो तरफ लूकन अपील कर आई जनशियात खिलाफ पुलिस तरफ शुरू कर आम मुहिम कामयाब बनाने बाप ग लूक पुलिस अथवास कर नौजवान पु बचा यी। आप जो भी आपको दिल में कोई शक है निकालो, आप कभी भी 24 घंटा मेरा ऑफिस का दरवाजा खुला है आपके लिए। मेरा पर्सनल नंबर भी लीजिए आप, जो भी आपको इश्यू है मुझे सीधा फोन कर सकते हैं, क्यों हम ओपन सीधी बात है, इधर आपको सेवा करने के लिए आए हैं इधर, इसलिए बेटा जो भी ऑफिस से। तो नाजरीन इस वक्त का खबरनामा, दीजिए इजाजत, खुदा है सवाल।